दोस्तों जी हम बात करने वाले हैं बीसी सखी के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में। यदि आपने बीसी सखी का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप कैसे फिल करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में क्या करना है आपको, प्ले स्टोर क्या करना है आपको ओपन कर लेना है। ये जो फॉर्म फिल किया जाएगा एक एप्लीकेशन के माध्यम से आपको फिल करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में एक प्ले स्टोर को क्या करना है अपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है यहाँ पे यूपी बीसी सखी। जैसे इतना लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो एक एप्लीकेशन है यहाँ पे यूपी बीसी सखी का यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे मोबाइल में यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि हमने अपने मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो हमारे मोबाइल में ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पर क्या करना है आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे देख सकते हैं आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर हो। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद क्या करना है आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्या करना है आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके क्या करना है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करके आपको क्या करना लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 अंक का ओटीपी चला जाएगा। तो क्या करना है आपको यहाँ पे अपना ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना नंबर जो है वेरीफाई कर लेना है, ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं अति महत्वपूर्ण सूचना है, नीचे नेक्स्ट दिया हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा यहाँ करके ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ढेर सारा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे सारा यहाँ पे आपको डिटेल्स क्या करना है आपको यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं अति महत्वपूर्ण सूचनाएँ। तो यहाँ पे जो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है जो सूचनाएँ हैं आपको अच्छे से यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पाँच इस कॉलम यहाँ पे स्टेप दिया गया है, सेक्शन दिया गया है, पाँच सेक्शन दिया गया है। इसमें से आपको क्या करना है सबको अच्छे से क्या करना है पढ़ लेना है। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पर क्या दिया है, पूरा आवेदन भरने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा एवं आपको पूरे ध्यान एकाग्रता एवं खुद की स्वतंत्र सोच के साथ सभी सवालों के जवाब दें। उसके बाद दूसरा नंबर पर है देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नावली में 5 सेक्शन है, सभी को अलग अलग भरना है एवं सेव और सबमिट करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ पे सेव करने से अगर आपका फ़ोन अकस्मात इंटरनेट कनेक्शन से कट भी जाए तो बैटरी खत्म हो जाए तो फोन बंद हो जाए तो भी सूचनाएँ सुरक्षित रहेंगी। यदि आप फॉर्म फिलअप करके यदि सेव और सबमिट कर देंगे तो आपका वहाँ तक आपका जो फॉर्म फिलअप किए रहेंगे आपका सेव रहेगा। उसके आगे आपको क्या करना है आपको जैसे आपका बैटरी चार्ज कर लेते हैं या फिर आपका नेट ख़त्म हो जाता है या फिर कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको अगला स्टेप वहाँ से आपको आगे मिल जाएगा। चौथे नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं दिया है आप अगर कोई सूचना गलत भर चुके हैं यूँ उसे सुधारना चाहते हैं तो सेव करने के पश्चात भी उसे सुधार एडिट कर सकते हैं, सेव करने के बाद ही आप चाहें तो सुधार कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर दिया है जब आप अपने जवाब से आश्वस्त हो जाए तो उसे सेक्शन के अंत में सार समरी में अपने सभी सवालों को देखकर उसे सबमिट करें। कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको क्या करना है एक बार प्रीव्यू कर लेना है, आपको अपने सवालों को देख लेना है कि जो आपने सवाल का जवाब दिया है वो सही है या फिर नहीं है, आपको चेक कर लेना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट करना है। उसके बाद देख सकते हैं आगे दिया हुआ है सबमिट करने के बाद आप कोई सुधार एडिट नहीं कर पाएंगे, ये भी कि एक सेक्शन को बिना सबमिट किए आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि आप सबमिट कर लेते हैं तो आप दूसरे उसमें दूसरा कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आपका दूसरा सेक्शन वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगला देख सकते हैं यहाँ पे बीसी चयन प्रक्रिया के अंत में हर ग्राम पंचायत के जो भी अभ्यर्थी चुने जाएंगे यहाँ उन्हें स्टैंड बाई के तौर पर चयनित किया जाएगा, चयनित किया गया हो उनका नाम ऐप के मैसेज बॉक्स पर उपलब्ध होगा। कहने का मतलब यह है कि जब उनका चयन हो जाएगा तो उनके एप्लीकेशन में उनका नाम ऐप में आपके बॉक्स में आपको दिखने लगेगा। उसके आगे देख सकते हैं 6वां नंबर पे दिया है यहाँ पे 6 नंबर पे अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि मोबाइल ऐप को सही एवं चालू हालात में सुरक्षित रखा जाए। कहने मतलब है जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है वो आपको हमेशा अपडेट रखना है और इसको अनइंस्टॉल नहीं करना है, हमेशा अपने मोबाइल में रखना है इंस्टॉल करके। आपको हमेशा उसमें जानकारियाँ जो भी आएँगी आपको चेक करते रहना है या फिर कुछ उसमें अपडेट आए तो सॉफ्टवेयर को बार बार अपडेट करते रहना है।
नीचे दिया है नोट, ऐप में लगातार सुधार होते रहते हैं, इसलिए हर कुछ दिनों में ऐप को हटाकर इंस्टॉल दोबारा इंस्टॉल कर लें, इससे आपको ऐप का अपडेटेड वर्जन मिलता रहेगा। कहने का मतलब है कि जो आपका ऐप है ये जब कोई नया वर्जन आता है तो आपका ये पुराना वर्जन हो चुका होता है, तो क्या करना है आपको अनइंस्टॉल करके आपको न्यू दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है। सारी चीज़ बढ़ने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पहला यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, बाकी सारा यहाँ पे आपको हाइड दिखाई दे रहा था। जैसे आप पहला भर के आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका दूसरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्या करना है क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे दे रहा है पहला नाम, तो जो भी आपका नाम रहेगा आपको क्या करना है आपको भर लेना है। पहला नाम में क्या करना है आपको, मान लीजिए किसी का नाम रेनू कुशवाहा है तो आपको क्या करना है पहला में रेनू भर लेना है और सर नेम में आपको कुशवाहा भरना है, बीच में आपको छोड़ देना है। किसी का रेनू कुमारी कुशवाहा है तो आपको बीच में कुमारी और लास्ट में कुशवाहा भर लेना है। तीसरे नंबर पर दे दिया है सर नेम में, तो हम बीच वाला छोड़ के हम लास्ट वाले में कुशवाहा भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है नीचे चौथे नंबर पर दे सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो, तो प्रोफाइल फ़ोटो में क्या करना है आपको जो भी कोई आपके पास यदि फ़ोटो है तो क्या करना है आपको यहाँ पे आपको फ़ोटो आपके पास जो है फ़ोटो आपको खींच लेना है। क्या करना है आपको ऐसे फ़ोटो क्या करना है खींच लेना है, उसको क्या करना है ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आएगा, क्या करना है आपको इस तरह से क्रॉप कर लेना है फ़ोटो को अच्छे से। क्रॉप करने के बाद ऊपर दे सकते हैं, ऊपर क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, क्या करना है आपको इस पर क्लिक करके आपको फ़ोटो को क्या करना है क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेंगे तो आपको सामने दे सकते हैं यहाँ पे जो फ़ोटो यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे पुरुष महिला अन्य, तो इसमें आपको क्या करना है महिला वाले ऑप्शन पर क्या करना है आपको क्लिक कर लेना है और इनका कितना उम्र है यहाँ पर आपको डाल देना है, कितना एज है पाँचवें नंबर पर, छवें नंबर पे इसमें दिया है, यहाँ पे पाँचवें नंबर पे दिया है लिंग, यहाँ पे पूछ रहा है तो पुरुष महिला आने, तो यहाँ पे जिनका भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे खास करके यहाँ पे लेडीज़ के लिए है यहाँ पे क्या करना है आपको महिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दिया है फिर सिक्स नंबर पर दिया है तो इनका एज कितना है उम्र कितना है आपको यहाँ पर उनका उम्र भर देना है। इसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पता दिया हुआ है नोट, यदि आपके जिले ब्लॉक ग्राम पंचायत गाँव के नीचे दी गई सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया तो आपके जिला ब्लॉक ग्राम पंचायत में गाँव से चयन पूरा हो चुका है। कहने का मतलब यही है कि आपका गांव शो नहीं कर रहा है या फिर आपके ब्लॉक में वो गांव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझिए कि जो आपका गांव है उसमें किसी का चयन हो चुका है, वो वहाँ पे आपका पद खाली नहीं है उस गांव के, तो आपका उस गांव में यदि आपका पद खाली नहीं है तो आप उस गाँव से आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो आपको ध्यान रहे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ करना है आठवें नंबर दिया है जिला चुने, तो जो भी आपका जिला रहेगा आपको यहाँ पर ऐसे क्या करना है आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद नीचे दिया है ग्राम पंचायत चुने, तो जो भी आपका ग्राम पंचायत रहेगा आपको यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके बाद इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें हेलमेट में जो आपका पोस्ट ऑफिस रहेगा या फिर गाँव का नाम रहेगा आपको वही डाल देना है। उसके बाद यहाँ दिया है आधार कार्ड की फ्रंट फ़ोटो, तो इसमें क्या करना है आपके पास आधार कार्ड होगा तो क्या करना है आपको अपने आधार कार्ड का जो फ्रंट फ़ोटो है वो क्या करना है आपको यहाँ पे स्कैन कर लेना है, फ़ोटो खींच लेना है उसका फ्रंट का, क्या करना है आपको फ़ोटो खींचना है, फ्रंट का फ़ोटो खींचना है जहाँ आपका फ़ोटो हो नाम वगैरह हो ये सब आपको दिखाई दे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दिया है आधार कार्ड के पीछे का फ़ोटो, तो क्या करना है आपको इस पर चेकबॉक्स पर जो दिया है इस पर क्या करना है आपको क्लिक करना है। उस चेकबॉक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा, कैमरा ओपन होने के बाद क्या करना है आपको ऐसे फ़ोटो खींच लेना है, फोटो खींचने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको करना है ऐसे क्रॉप करके जो यहाँ पे साइज़ है इस तरह से आपको बढ़ा लेना है, बढ़ाने के बाद यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे। जैसे क्रॉप करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जो यहाँ पे आधार का फ़ोटो है यहाँ आपको दिखने लगेगा, तो आपको ध्यान रहे जो एक चेकबॉक्स है इसी में क्लिक करने पर आपका जो कैमरा है मोबाइल का ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर डाल देंगे जो भी आधार नंबर रहेगा, फिल करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे नीचे दिया है पति पिता अभिभावक का नाम, तो इनमें जिनका
जो उनके पति या फिर उनके पिता का जो नाम रहेगा क्या करना है आपको इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद क्या करना है आपको ऐसे स्लाइड करना है, बगल में देख सकते हैं ऐसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको तीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे गोल गोल यहाँ पे कॉलम यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है नीचे, तो आपको ऐसे जैसे स्लाइड करेंगे तो दूसरे सर्कल में यहाँ पर आ जाएंगे, देख सकते हैं दिया है 17 नंबर पर, देख सकते हैं। सबसे पहले आपका शिक्षा पढ़ने लिखने की कुशलता, तो जो है आपके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन के बारे में आपको क्या आप जानते हैं उसके बारे में, समूह के बारे में आपने कहाँ तक पढ़ाई किया उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसके नीचे देख सकते हैं आप दिया है क्लास 10 पास, उसके नीचे दिया है क्लास 10 पास है और समूह के कार्य में दक्ष हैं, उसके नीचे दिया है समूह के कार्य में दक्ष हैं, उसके नीचे दिया है कक्षा 10 पास नहीं है और लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे दिया है पढ़ने लिखने में दिक्कत है और दूसरे की मदद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्लास 10 पास हैं और समूह के कार्य में दक्ष हैं, तो क्या करना है आपको जिस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन रहेगा आपको अपने हिसाब से इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम फिलहाल में पहला वाला सेमिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये 10वीं पास हैं, या फिर अभी दूसरों इसमें से दूसरा वाला भी आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास 10 पास हैं और समूह के कार्य में दक्ष हैं मतलब सक्षम है, समूह के कार्य भी ये चाहें तो कर सकते हैं। उसके नीचे दिया है यहाँ पे 18 नंबर पे आप मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद उसके बाद नीचे देख सकते हैं 19 नंबर पे दिया है आपका मोबाइल कौन सा है, टच वाला है या बटन वाला, तो जो भी है आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे देख सकते हैं 20 नंबर पर दिया है फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से आप क्या क्या कर लेते हैं, मैसेज लिखना पढ़ना भेजना, उसके नीचे दिया है जोड़ घटाओ गुणा भाग करना, उसके नीचे दिया है व्हाट्सअप कराना, नीचे दिया है उसके यूट्यूब देखना सिनेमा देखना। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपने फॉर्म फिलअप किए रहेंगे आपके सामने यहाँ पे पूरा यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको प्रोफाइल आपको दिख जाएगा ऐसे। इसमें यदि आप कुछ चीज़ें यदि गलत है तो आप क्या करना है ऐसे स्लाइड करके आप पीछे जा सकते हैं, इस तरह से आप जो कुछ गलती है इसमें आप चाहें तो सुधार सकते हैं। इस तरह से सारा चीज़ आपको क्या करना है इसे मिला लेना है, एक बार मिलाने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आप सेव करना चाहते हैं, सेव करने के बाद आप इस सूचनाओं को बदल नहीं सकेंगे। क्या आप सेव करना चाहते हैं, यदि सेव करना चाहते हैं तो हाँ, यदि नहीं तो यहाँ पर क्या करना है नहीं करना है, तो आपको करना है हाँ करना है यदि आपको सारी चीज़ें सही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला हमारा बेसिक प्रोफाइल यहाँ पर फिल कर दिया है, जो पहला सेक्शन था हमने फिल कर लिया, तो यहाँ पे सही का ट्रिक लग गया निचरा, देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो सेक्शन है बेसिक प्रोफाइल, जैसे आपका फिलअप हो जाएगा फिल हो जाएगा आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हरा का ट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको आज लग जाएगा। तो दूसरा जो आपका प्रोफाइल है यहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पर जो साइलेंट है यहाँ पर ये भी एक एक करके ऐसे आपका ओपन होता जाएगा, आप ऐसे फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर पारिवारिक प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो यहाँ पर है देख सकते हैं उसके बारे में दिया है यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, यदि शादीशुदा यदि शादी हो गया है तो हाँ करना है, नहीं तो यहाँ पे नहीं करना है। कौन कौन बच्चों का विवरण, तो इसमें ये पूछ रहा है अगर उम्र 10 साल से कम है तो आपके घर में कितने लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं तो उसमें से 10 साल से कम कितने लोग हैं, 4 लोग हैं 2 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं टोटल आपके घर फैमिली में, 5 लोग में से 10 साल से नीचे कितने लोग हैं, 1 लोग हैं 2 लोग हैं, तो आपको इसमें संख्या आपको क्या करना है इसे दर्शा देना है। उसके बाद यह है 11 से 16 साल की उम्र के बीच, 11 से और 16 साल के बीच में जितने लोग होंगे उनको यहाँ पे डाल देना है। पारंपरिक खेती किसानी उद्यानिकरण फल फूल, इसमें से आप जो जो आपके परिवार के आजीविका साधन है वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। आपको क्या करना है अपने हिसाब से इसमें आपको क्या करना है ट्रिक लगा लेना है, उसके बाद क्या करना है आपको आगे बढ़ जाना है। तो जो भी आपने ट्रिक लगाया रहेगा आपने सवाल के जवाब में आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे देखने के बाद आपको क्या करना है नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्या करना आपको हाँ कर देना है, तो आपका जो पहला है पारिवारिक प्रोफाइल आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला भाग जो है यहाँ पर हाईलाइट हो गया देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है भागवान पर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्या आप किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य पदाधिकारी या कम्युनिटी सामुदायिक कैंडर हैं, यदि हैं तो हाँ हैं, तो इसमें दिया है पहले ऑप्शन पर देख सकते हैं नहीं, उसके नीचे दिया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषा अध्यक्ष समूह सखी कृषि सखी पशु सखी बैंक सखी बीसी सखी, आपको इसमें से अपने हिसाब से क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद आपको ना स्लाइड कर लेना है। जैसे स्लाइड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक न्यू दूसरा पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरा सवाल, क्या आपने कभी समूह गठन करने की सोची है? हाँ करना है, नहीं सोची है तो यहाँ पर करना नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से इसमें ट्रिक करके उसको आगे बढ़ना है। जो आपने फॉर्म फिलअप किए रहेंगे आपको इसमें आपको देख सकते हैं, इस तरह से आपको दिख जाएगा सारा कुछ। आपको देखने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया, इस पर क्या करना है आपको हाँ और आप सब क्लिक करने के। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहला भाग है आपको फिल हो जाएगा, उसके बाद दूसरा भाग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दूसरा भाग ओपन होने का करना आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे दूसरा भाग पे तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा पहले नंबर पे, क्या समूह के नियमानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रावधान होना चाहिए? तो इसमें क्या करना है आपको अपने हिसाब से ट्रिक लगाना है, उसके स्लाइड करना है, उसके बाद क्या करना है सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो तीसरा भाग है यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे भाग तीन में जो पहला क्वेश्चन है, क्या आप आराम से हिंदी पढ़ और लिख लेते हैं? तो इसमें आपको अपने हिसाब से इसमें क्वेश्चन का आंसर देना है। नीचे दिए गए शब्दों के मतलब का कोई दूसरा शब्द चुने, मुद्रा का मतलब क्या होता है? इसमें चार क्वेश्चन दिया है, पाँच दिया है, तो इसमें आपको मुद्रा का मतलब क्या होता है इसमें आपको ट्रिक करना है। छवें नंबर पर तीसरा देखा है, छवें का दूसरा दिया है श्रम। श्रम मीन्स क्या होता है? मेहनत करना, शर्म होता है, माफी, रोशनी, यातना। इसमें क्या करना है आपको अपने हिसाब से इसमें ट्रिक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको स्लाइड करना है। जैसे स्लाइड करेंगे तो आपके नीचे देख सकते हैं आपके सामने दूसरा पेज आ चुका है, भाग तीन में यहाँ पे आठवां क्वेश्चन आ चुका है, तो दिए गए अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी मतलब बताएं। आठवां का पहला क्वेश्चन दिया है, माय नेम इज राजेश, मेरा काम राजेश है, मैं राजेश हूँ, मेरा नाम राजेश है, वह राजेश है, राजेश किसका नाम है? तो इसका जो मतलब होता है इंग्लिश का जो ट्रांसलेट है हिंदी में आपको यहाँ पे जो सही है उसको जवाब देना है। आठवें का चौथा दिया है, आई लाइक रेड कलर, तो जो इसमें क्वेश्चन है देख सकते हैं दिया हुआ है, मुझे काला रंग पसंद है, मुझे हरा रंग पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद है, मुझे नीला रंग पसंद है, मुझे पीला रंग पसंद है। जो इसमें उसका हिंदी सही है वो आपको इसमें ट्रिक लगाना है। उसके बाद क्या करना है आपको ऐसे स्लाइड कर लेना है। स्लाइड करने के बाद आपके सामने जो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है आपको अच्छे से क्या करना है इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्या करना है आपको अच्छे से एक बार प्रीव्यू कर लेना है, जो आपने फिलअप किया है वो आपको सही है या नहीं, उसके बाद क्या करना है सबमिट कर देना है।